एक्सरसाइज 7.1 से पहले वी हैव टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। एग्जांपल वन जो है वो डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्राइंगल। एग्जांपल हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको इससे पहले हमने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको और समझ आएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही इजी चैप्टर है और केवल हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोई सा भी, इसमें एक आगे और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे तो हम बड़ा इजीली जो है सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब 3 पॉइंट के लिए क्वेश्चन हो सकता है, वो या तो कोलिनियर का हो सकता है या फिर ट्राइंगल का। तो सबसे पहले पूछा ये है कि क्या इन तीनों पॉइंट से जो है वो ट्राइंगल फॉर्म होगा, और इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, अगर होगा तो उस ट्राइंगल का नाम भी बताना है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने नाम लिखा है, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर पी क्यू आर। सपोज करो तीनों पॉइंट का नाम हो गए पी क्यू और आर, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 2, क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3 और आर के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3, और वी हैव टू फाइंड पी क्यू, क्यू आर और पी आर। आपको पता है तीनों साइड पी क्यू, फिर एक बार क्यू आर को सोल्व करेंगे और एक बार पी आर को, और अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1² + y2 - y1²। आप इसको डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि हमें दोनों के एक्स के कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करना है और प्लस में के बाद दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस का स्क्वायर करना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हम x2 को पहले लिखें x1 को, हम x1 - x2 भी लिख सकते हैं और y1 - y2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, अब आप समझ गए कि पी क्यू को सॉल्व करें तो x1 x2 ये है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन गए 3 + 2² क्योंकि माइनस का साइन है और ये पहले से माइनस का, तो इसका हमने प्लस का। उसके बाद आएगा y2 - y3 का स्क्वायर, तो y2 - y3 ओ सॉरी y2 - y1, तो ये हो गया 2 + 3 का स्क्वायर, क्यों माइनस का है तो प्लस का हो गया। आप देखिए 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर हो गया √50। सेम मेथड सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्यू आर वी फाइंड आउट, तो इट इज √52। पी आर को हम फाइंड करें तो √2। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि इफ सम ऑफ टू साइड आर ग्रेटर देन थर्ड साइड तभी ट्राइंगल फॉर्म होता है। आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल की अनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है क्लास 9 में, दैट द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। When we see the length of these three sides, तो we see that sum of two sides is greater than third side. किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, और दूसरा यह है कि किसी भी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कॉलिनियर भी नहीं है, क्योंकि कॉलिनियर के लिए हम सोल्व करते हैं AB + BC = AC। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं PQ + QR = PR। तो इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों ही प्रॉपर्टी को जो है वो ये जो कॉलिनियर की प्रॉपर्टी को जो है वेरीफाई नहीं करते, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, तो ये पक्का तीनों कोऑर्डिनेट किसके हैं ट्राइंगल के। और व्हेन वी सॉल्व इट तो √2² + √2² + √50² वो इक्वल आ रहा है √52² इट मीन √2² होता है 2, √50² होता है 50 और √52² होता है 52। 2 + 50 हो गया 52 = 52। तो आप देखेंगे ये जो है वो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को या पाइथागोरस ट्रिपलेट को प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये जो तीनों कोऑर्डिनेट थे तीनों पॉइंट थे पी क्यू आर, इनके जो ये कोऑर्डिनेट है वो किसके हैं, वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखिए एग्जाम्पल टू इज शो दैट द पॉइंट 17 −1, −1 and −4, 4 आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। अब आपको बताना है चार पॉइंट है, इसका मतलब चारों पॉइंट होंगे तो हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के लिए। और हमें लेकिन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है हमें इसको प्रूव करना है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो आपको प्रॉपर्टीज लर्न होगी, स्क्वायर के लिए हमने कहा था कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगनल भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम लेट ABCD स्क्वायर, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट जो है किसी स्क्वायर के हैं ABCD, और जब हम ABCD को स्क्वायर की अकॉर्डिंग फॉर्म करके जब हम ABC और D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और हम AB आपको पता है AB की लेंथ पता करेंगे, फिर BC की
ये सी डी की और फिर डी ए की। तो आप देखिए कि आप बुक में सॉल्व किया हुआ है ए बी बी सी सी डी और डी ए सब इक्वल आएगी और कितना आएगी अंडर रूट 34। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी क्लियर हो गई कि इसकी चारों साइड इक्वल है। लेकिन मैंने कहा था आपको एक और चीज प्रूव करनी पड़ जाएगी, डायग्राम। तो हम ए सी और बी डी जो डायग्राम है, जब हमने ए सी और बी डी को चेक किया तो वो भी इक्वल आ रही है, वो आ रही है अंडर रूट 68। तो वी कैन राइट दैट सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देयर फॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन एग्जाम्पल थ्री जो है वो है, वी फाइंड इन फिगर अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, आसिमा भारती एंड कामेला आर सीटेड एट ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट है 3 और 1, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट भी लिखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट है 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 8 6, और हमें बताना है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या वो लाइन में बैठे हैं। अगर ये पॉइंट ये डेस्क ए है, ये डेस्क बी है और ये डेस्क सी है, और क्वेश्चन को पूछने का तरीका उन्होंने पूछा था कि क्या ये लाइन में है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए वो प्रॉपर्टी शो करनी है हमें। इसका मतलब ये कि अगर तीनों ही पॉइंट ए की लाइन पे आएंगे तो कौन से पॉइंट होंगे, कॉलिनियर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम कॉलिनियर पॉइंट प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों बेंच जो है वो डेस्क जो है वो स्ट्रेट लाइन में। तो आपको बता ये तीनों पॉइंट है, तो अगेन हमें प्रूव करना पड़ेगा ए बी बी सी और ए सी की लेंथ। व्हेन वी सॉल्व ए बी तो इट इज बिकम्स अंडर रूट 18, व्हेन वी सॉल्व बी सी तो इट बिकम्स अंडर रूट 8, एंड व्हेन वी सॉल्व ए सी तो इट बिकम्स अंडर रूट 50। और आप देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी के। और मैंने बताया था आपको कोलिनियर पॉइंट में इसी को हमें सॉल्व करना होता है। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के। आप देखिए अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 प्लस अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2, और वो इक्वल हो गया अंडर रूट 50 मतलब 5√2। 3√2 प्लस 2√2 इक्वल होता है 5√2। ये अंडर रूट 18 है, ये अंडर रूट 8 है, और ये हो गया अंडर रूट 50। इट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो गया ए सी। और अगर ऐसा है तो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन्स देयर फॉर वी कैन से दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट और दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। दोनों का एक मिलेंगे। कोई पूछे कि क्या इन तीनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर ये तीनों कॉलिनियर, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये कॉलिनियर पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं, तो हम इसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ यस दे आर कॉलिनियर। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4। Now we solve example 5, example 4. Example 4 is find a relation between x and y such that point x, y. एक कोई पॉइंट है P जिसका नाम लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है x, y. Is equal distance from the point 7, और एक पॉइंट है 7 और 1. दूसरा पॉइंट है वो है 3 और 5, ये दो पॉइंट है, इनके नाम ले लेते हैं ए और बी, और ये जो पॉइंट पी है इन दोनों से कहां पर है, इक्वल डिस्टेंस। तो आपको याद हो गया होगा ये जो वर्ड आया है, अभी तीन पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, ए बी और सी, ए बी और पी। लेकिन आपको पता है, मैंने बताया था कि ये ना तो कॉलिनियर के फॉर्म में सॉल्व होगा और ना ही ट्रायंगल की किसी प्रॉपर्टी से। आपको इसमें जो जब भी ऐसा हो तो ए पी इक्वल टू एपी को सॉल्व करना, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि अगर ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो एपी की डिस्टेंस और बीपी की डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल। और अगेन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वी राइट द डिस्टेंस। अब जब हम एपी सॉल्व कर रहे हैं तो ये x1 y1 हो गई, x2 y2 हो गई, तो ये हो गया x-7 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया है y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस इधर और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया y-5 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है दोनों तरफ रूट है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ x-7 इज लाइक एज a-b² तो ये उसी तरह से ओपन होगा, तो x² -14x + 49 प्लस
वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन अगेन बाई दी ए माइनस बी स्क्वायर नाउ इक्वल टू इट इज ऑल्सो इन द ए माइनस बी स्क्वायर तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई माइनस फाइव एल स्क्वायर इज अगेन इन द वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव। अब आप देखिए लाइट जो टर्म्स है जो लाइट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव भी कैंसिल आउट तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का फोर्टीन एक्स माइनस टू वाई प्लस फिफ्टी और इधर जो बचा है वो बचा माइनस का सिक्स एक्स माइनस टेन वाई और यहाँ पे बच गया है प्लस का थर्टी फोर। अगर मैं इन सबको ट्रांसपोर्ट कर दूं तो ये हो गया माइनस का फोर्टीन एक्स प्लस का सिक्स वाई माइनस टू वाई प्लस टेन वाई प्लस का फिफ्टी और माइनस का थर्टी फोर इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए माइनस का फोर्टीन एक्स और प्लस का सिक्स एक्स बिकम्स माइनस एट एक्स प्लस एट वाई माइनस टू वाई प्लस टेन वाई प्लस का एट वाई और ये हो गया प्लस का सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए माइनस एट दोनों सब में कॉमन है तो ये बन गया एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और मैं और इसको सिस्टमेटिक लिखूँ तो ये तो जीरो हो गया तो क्या बच गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू और ये इन दोनों में रिलेशन है और रिलेशन का मतलब हो गया कि एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो कितने यूनिट का है टू यूनिट का। ये क्वेश्चन दो साल पहले बोर्ड में पूछा गया था सेम क्वेश्चन था और वहां पे बोला गया था कि ये पॉइंट है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है और आप प्रूव करो कि एक्स इक्वल टू होगा वाई प्लस टू। तो आप देखिए ये सेम चीज है इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो ये एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल फाइव जो है वो भी इसी से रिलेटेड है इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको भी। और एग्जाम्पल फाइव इज फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे जो पॉइंट पी दिया हुआ है आपको वो कौन से एक्सिस पे दिया हुआ है वाई एक्सिस पे और आपको पता है वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो वाई, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आप ऐसे जानते भी हैं। और ये दो पॉइंट है ए और बी, इनसे अगेन जो है इक्वल डिस्टेंस पे है और ए के कोऑर्डिनेट है सिक्स और फाइव और बी के कोऑर्डिनेट है माइनस फोर और थ्री और हमें ये सब बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अगर वाई एक्सिस में कोई पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और वो पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे। अगेन हम सॉल्व करेंगे ए पी इक्वल टू बी पी और आपको पता है ए पी इक्वल टू बी पी सॉल्व करेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ए पी सिक्स माइनस जीरो और वाई माइनस फाइव का स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस फोर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस रूल। नाउ सिक्स माइनस जीरो का सॉल्व हो सकता है कैंसिल आउट रूट सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस वाई माइनस फाइव अगेन सॉल्व होगा माइनस बी स्क्वायर से पॉजिटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में सेम है तो कैंसिल आउट नाउ इट इज बिकम्स माइनस टेन वाई प्लस 36 और 41 कितना हो गया 61 इक्वल टू इधर हो गया माइनस सिक्स वाई और प्लस का 25 व्हेन वी सॉल्व इट तो माइनस टेन वाई प्लस का सिक्स वाई इक्वल टू 25 माइनस 61 नाउ इट इज बिकम्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस 36 माइनस से माइनस कैंसिल आउट वाई इक्वल टू 36 अपॉन 4 इक्वल टू 9 तो अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई इट मीन्स व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जीरो नाइन क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है क्योंकि वो वाई एक्सिस पे
और वाई की वैल्यू हो गई 9, तो 0y 0 9 इधर हो गई। हमने सारे जो 7.1 से पहले जो भी फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला वो डिस्कस किया है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सी सिचुएशन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इक्वल डिस्टेंस की पोजिशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट पर कोई क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले समझाया भी है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके भी शो किया है कि कैसे हम इजीली कोई डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम आराम से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं सब। तो आई होप कि आप 7.1 बड़े आराम से कर पाएंगे, तो आप स्टार्ट कर दें 7.1। आई थिंक कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया है, तो 7.1 में जो पूरी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व होगी। थैंक यू। Now students, we are going to solve exercise 7.1 and that is totally based on the distance formula we have earlier discussed. Question number 1 is find the distance between, the first question is this 2, 3 and 4, 1. So let A is equal to 2 and 3 and B is equal to 4 or 1. Now applying the distance formula for AB, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आपको पता ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। एक बार एक्स वन वाई वन करना है तो एक्स टू फोर है और एक्स वन कितना है 2, तो स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स 2 स्क्वायर और दिस बिकम्स माइनस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो अंडर रूट 8 और इट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। सेम क्वेश्चन जो है डिस्टेंस डिस्टेंस पता करनी है इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में, तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो आई थिंक आफ्टर अंडरस्टूड दिस यू कैन एबल टू सॉल्व पार्ट थर्ड और सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर 2। दैट्स वाई राइट हियर कि सॉल्व योरसेल्फ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड माइनस 2 माइनस 11 आर कोलिनियर। आपको पता है 3 पॉइंट्स हैं तो 3 डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। लेट ए इज 1 5, बी इज 2 एंड 3 और सी इज माइनस 2 एंड 11। व्हेन वी फाइंड आउट द ए बी By the formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, it becomes 2 minus 1 is 1 square, 3 minus 5 is minus 2 square, 1 square is 1, minus 2 square is 4, so 1 plus 4 becomes under root 5. By applying same, we solve for BC. जब आप BC solve कर रहे हैं तो ये x1 y1 हो गए, x2 y2 हो गए। When we put the values, so it becomes under root 2, under root 12. When we solve AC, so now AC becomes, A becomes x1 y1 or C becomes x2 y2. When we solve it, it becomes under root 265. And when we see it, so we clearly see that AB plus BC is not equal to AC. या क्यों AB plus AC is not equal to BC, इनमें से कोई सी भी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल नहीं है। आपको पता है कॉलिनियर में हम यही सॉल्व करना है, तो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, तो ये पता लग गया कि ये इक्वल नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 चेक 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल। अगेन 3 पॉइंट्स आर देयर और आपको बताओ तीनों पॉइंट्स है। व्हेन वी टैग इज एट ए बी एंड सी, तो अगेन वी सॉल्व द ए बी, तो इट बिकम्स 6 माइनस 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, माइनस 2 इज ऑलरेडी देयर तो बिकम्स प्लस 2 बिकॉज देयर इज ए माइनस इन बिटवीन, तो इट बिकम्स 1 प्लस 36 मींस अंडर रूट 37। व्हेन वी सॉल्व बी सी, तो इट बिकम्स 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर, इट बिकम्स 1 प्लस 36 तो अंडर रूट 37। व्हेन वी सॉल्व द ए सी, तो इट बिकम्स 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो इट बिकम्स 4 प्लस 0 बिकॉज माइनस 2 और प्लस 2 0, तो इट बिकम्स 4। नाउ इट क्लियरली सॉल्व दैट अंडर रूट 37 अंडर रूट ए बी और बी सी आर इक्वल। वी ऑलरेडी डिस्कस व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल।
अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो हमने जब सॉल्व किया तो पता लगा कि ए बी और बी सी क्या है इक्वल, तो इसकी दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो तीन वर्टिसेस दी हुई थी ए बी और सी वो किस ट्रायंगल की है, आइसोसेलस ट्रायंगल की। अगर ये तीनों इक्वल आती तो किसकी होती फिर, इक्वल ट्रायंगल की। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दिया हुआ है और उस फिगर में से हम फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, तो वन ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड 4, बी की वैल्यू होगी 6 एंड 7, सी इज 9 4 एंड डी इज 6 1। व्हेन वी सॉल्व इट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया है। तो व्हेन वी सॉल्व, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए चार पॉइंट के क्वेश्चन है, तो आपको पता चारों सॉल्व करनी पड़ेगी। व्हेन वी सॉल्व इट तो ऑल आर इक्वल अंडर रूट 18, इट मीन अंडर रूट 18 इज 3 अंडर रूट 2, इसका मतलब चारों साइड क्या है इक्वल। एंड व्हेन वी चेक द डायगनल्स, क्योंकि आपको पता है 4 पॉइंट का जब भी क्वेश्चन हो तो हमें डायगनल्स भी चेक करनी होगी। व्हेन वी चेक द डायगनल्स, तो ए सी एंड बी डी डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो 4 साइड एंड डायगनल्स आर इक्वल, देयर फोर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में चंपा ने कहा था कि स्क्वायर होगा, तो हेंस चंपा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 पार्ट्स एंड देयर आर सम कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, और ही द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो व्हेन वी सॉल्व, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें। व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 6, तो आप देखेंगे कि उसकी तीन चारों साइड और डायगोनल्स इक्वल आएंगी, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन देयर इज नो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर शोन, तो वी कैन राइट दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो ना तो उसकी साइड इक्वल आएंगी और ना ही जो उसकी डायगोनल्स इक्वल आएंगी, तो वो ना तो स्क्वायर है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना रोम्बस है। व्हेन वी सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ 6, तो वी सी दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई द थर्ड पार्ट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती और डायगोनल्स क्या होती इक्वल, तो वो क्या हो जाता फिर, रेक्टेंगल। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो पॉइंट दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन एग्जाम्पल। तो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पी के वो क्या होंगे, x0, और जिनसे वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए और बी से उनके कोऑर्डिनेट है 2 -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -2 और 9। और आपको पता है इक्वल डिस्टेंस के केस में हम सॉल्व करते हैं एपी इज इक्वल टू पी बी, हमने एपी और बी बी इक्वल है तो अंडर रूट पहले से हटा दिया है। व्हेन वी सॉल्व इट तो x -2² + 0 - 5² तो x + 2² अगेन x + 2² प्लस 0 - 9², तो इट इज सॉल्व बाय a - b², तो x² - 4x + 4, 0 + 5² = 5², तो इट बिकम्स 25। अगेन इट इज सॉल्व बाय a + b², तो इट इज a² + 2ab + b², एंड 0 - 9 = 9, तो 9² = 81। नाउ x² पॉजिटिव इज कैंसिल, 4 is positive and 4 is positive, both side are cancel out. Now what is left? -4x + 4x when left side, so it is -4x + 81 is already on right side, and 25 when go to the right side becomes -25. -4x - 4x - 8x, 81 - 25 = 56, so x ki value hogi -7. It means the coordinates of P is -7, 0. इस तरह से बहुत ही इजी थे, हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके जितने तरह के एग्जांपल थे उसी तरह के क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से हम 7.1 को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 एंड क्यू इज टैन वाई इज टैन यूनिट, दो पॉइंट्स है पी और क्यू और उनकी डिस्टेंस भी दी हुई है 10 यूनिट, और हमें पहले पता करनी है वाई की, जो इसका एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो मिसिंग कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ये। आपको पता है दो पॉइंट दिए हुए हैं और डिस्टेंस दी हुई है, तो अगेन वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी का कोऑर्डिनेट 2 - 3, क्यू के कोऑर्डिनेट है 10y और डिस्टेंस है 10 यूनिट, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 - 2² a x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 अब आगे वाई है, जो y2 है अब अगेन जो है उसकी वैल्यू क्या वाई है माइनस y1, तो माइनस का y -3 पहले से, तो प्लस का 3 स्क्वायर। PQ मतलब डिस्टेंस पहले से दी हुई है, तो डिस्टेंस की जगह 10 अप्लाई कर दिया। नाउ 10 -2 इज 8, 8 स्क्वायर इज 64, बट इट इज सॉल्व बाई आइडेंटिटी ए प्लस बी स्क्वायर, तो नाउ वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 9। अब आप देखिए इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो रूट में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो रूट में नहीं है। तो आपको बताया है कि रूट कैसे रिमूव करते हैं हम, बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 10 तो रूट में नहीं, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और बिकम्स 100, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और आएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। व्हेन वी ट्रांसपोर्ट द वैल्यूज तो इट बिकम्स 100 वाई स्क्वायर 6y, 64 प्लस 9 बिकम्स 73, 73 बिकम्स राइट हैंड साइड तो बिकम वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73। व्हेन वी सॉल्व इट तो बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये जो बनी है अगेन, जहां पे भी समझते जाइए किसी भी चैप्टर में, चाहे वो फोर्थ फिफ्थ कहीं भी हमने पढ़ा हो, SN के फॉर्मूले में चाहे यहाँ क्वाड्रेंट स्क्वायर की इक्वेशन बन गई, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को व्हेन वी सॉल्व बाय एनी ऑफ द मेथड तो वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 9 और 3। और आपको पता है यहाँ पे हम दोनों ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अभी यहाँ पे ये नहीं सोचना है आपको कि पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे और नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यू कंसिडर होगी, तो वाई की वैल्यू -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू इफ 0 1, यहाँ पे पॉइंट है क्यू जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पी और आर, पी के कोऑर्डिनेट है 5 -3 और आर के कोऑर्डिनेट है एक्स और 6। यहाँ पे हमें वैल्यू पता करनी है एक्स की, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू पता करनी थी वाई की, लेकिन यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता करनी है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से कहाँ पर है, इक्वल डिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाए थे डिस्टेंस फॉर्मूला का, यहाँ पे हम लॉजिक अप्लाई करेंगे इक्वल डिस्टेंस वाला, और इक्वल डिस्टेंस में पी और आर जो दो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और क्यू जो इनसे इक्वल डिस्टेंस उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 0 1। तो हम सॉल्व करेंगे क्यू पी और क्यू आर को, जैसे ए पी इज इक्वल टू बी पी सॉल्व करते हैं वैसे। तो आप देखिए ये हो जाएगा 5 -0 स्क्वायर माइनस 3 -1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 -1 स्क्वायर। 5 -0 इज 5, तो 5 स्क्वायर इज 25, -3 and -1 इज -4, -4 स्क्वायर इज 16, x -0 इज x, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सॉल्व हो रहा है पहले से ही, ऐसा नहीं कहीं ये -b² से कर दें, x में से 0 माइनस कर दें x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर होता है x² और 6 -1 हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। व्हेन वी सॉल्व इट तो 25 इज कैंसिल आउट बाय 25, नाउ x² इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई +-4। यहाँ पे भी जब रूट करेंगे तो रूट की दो वैल्यूज होती है +4 और -4। इट मीन्स देयर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, जो आर के कोऑर्डिनेट है वो 4 और 6 भी हो सकते हैं, और -4 और 6, 4 और 6 और -4 और 6, क्योंकि दोनों वैल्यू कंसिडर होगी, पॉजिटिव प्लस भी कंसिडर होगा और -4 भी कंसिडर होगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्यू आर के डिस्टेंस में पता करनी है। तो अब हमें क्यू का एक आर का जो कोऑर्डिनेट मिसिंग था वो पता लग गया, लेकिन उसकी दो वैल्यूज है, +4 भी है और -4 भी है। तो यहाँ पे मैंने खाली लिखा है ताकि आप खुद सॉल्व करें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज √41 and √41। जब आप +4 के साथ सॉल्व करोगे इसको दोनों को तो आएगा √41, और -4 के साथ सोल्व करेंगे तो भी आएगा √41। हमें दो बार सोल्व करना पड़ेगा क्यू आर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की टू वैल्यूज है, तो एक बार +4 और 6 और एक बार -4 और 6, इसकी वैल्यू तो फिक्स है 0 और 1। व्हेन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ पी आर, पी आर तो यहाँ पे भी अगेन हमें पी के कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, लेकिन आर का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वापिस
प्लस फोर और माइनस फोर के साथ सोल्व करेंगे तो टू वैल्यू आएगी। एक बार सोल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 82, और दोबारा सोल्व करेंगे एक बार और तो आएगा 162। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में सोल्व कर चुके हैं। सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3, 6 और -3, 4। इट मीन्स पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ये पी कोई पॉइंट है जो 3, 6 जिसको हमने नाम दिया ए, और दूसरा पॉइंट है बी -3, 4, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस जो है। तो अगेन बाय अप्लाइंग द लॉजिक ऑफ इक्वल डिस्टेंस पी ए इक्वल टू पी बी को सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स -3² प्लस वाई -6² इक्वल टू एक्स +3² हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है, और प्लस वाई -4². मैंने कहा था आपको कहीं एक्स वाई में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, एक्स में से किसी को पहले लिख सकते हैं। नाउ इट इज सॉल्व बाई ए -b² तो इट बिकम एक्स स्क्वायर -6x+9। नाउ इट इज सॉल्व बाई ए -b² तो इट बिकम्स वाई स्क्वायर -12y+36 इक्वल टू अगेन इट इज सॉल्व बाई ए +b² तो बिकम्स एक्स स्क्वायर +6y+9। नाउ इट इज सॉल्व बाई ए -b² तो इट बिकम्स ए स्क्वायर -2ab+b². अब आप देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ जो सेम वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल आउट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, -6x। इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो -6x, -12y, ये -8y उधर ट्रांसफर होगा तो +8y, +36 और ये +16 इधर आएगा तो -16 इज इक्वल टू 0। When we solve it, -6 -6 become -12x, -12y or +8y becomes -4y, 36 - 16 becomes 20। अब देखिए 12, 4 और 20 में क्या कॉमन आ रहा है, -4 है, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे मिलेगा +4 क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पे आएगा -5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई when it is equal distance from 3, 6 and -3, 4। हमने एक्सरसाइज 7.1 पूरी सॉल्व कर ली है, और आपने देखा होगा कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। और आई थिंक कि आपको समझ आया होगा और आपको अच्छी तरह से आपने सॉल्व कर लिया होगा। प्रैक्टिस करते रहें ताकि फॉर्मूला अप्लाई करना और वैल्यूज को पुट करना आपको आ जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करनी है। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और ताकि हम आगे और एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं जिनको देख के आप पढ़ें और अच्छा कुछ सीखें। थैंक यू, गुड बाय।